इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में खींचातानी जारी। एक्सप्रेस न्यूज़ काबीना की अंदरूनी कहानी मंजरे आम पर ले आया। मामले पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की अलग अलग कमेटियां तश्कील। शिबली फराज की सरबराही में हुकूमती कमेटी का सेक्रेटेरिएट वजारत पार्लिमानी अमूर में कायम। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम की हुकूमती राबता कमेटी को इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर कानून साजी पर जल्द अज जल्द अमर दरामद शुरू करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन को 59 अरब से जायद के फंड दरकार होंगे। इलेक्शन कमीशन को ईवीएम इस्तेमाल करने की सूरत में फंड्स के इजरा का हुकूमती ऐलान शहबाज शरीफ बरस पड़े। कहा कि फिस्ताई तर्ज हुकूमत से जो मशरूत फंडिंग की धमकी और डिक्टेशन दे रही है, ये इलेक्शन कमीशन की आईनी हैसियत को मजरूह करने की मजमूम कोशिश है। बल्दियाती इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर होगा, पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लोकल बॉडीज एक्ट में ईवीएम पर इंतखाब की शिक शामिल करने की मंजूरी दे दी। विफाकी हुकूमत पहले ही ये कानून बना चुकी। पंजाब हुकूमत भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लोकल बॉडीज एक्ट का हिस्सा बनाएगी। पंजाब का नया बल्दियाती निज़ाम हुकूमत के लिए चैलेंज, मुस्लिम लीग काफ ने टक्कर दे दी। मेल मुलाकातें, इजलास और मुज़ाकरात बेसूद। अहम इत्तेहादी जमात का दो टोक और वासे मौकफ। कहा ऐसे किसी कानून की हिमायत नहीं करेंगे जिसमें दही इलाकों को नज़रअंदाज किया जाए। वीडियो लिंक पर तहरीक इंसाफ और काफ लीग का मुश्तरका इजलास, दोनों जमातों के वफाकी वज़रा की शिरकत। मुस्लिम लीग काफ ने कहा कि नए बल्दियाती निज़ाम में सेमी अर्बन को ज़्यादा और दही इलाकों को कम नुमाइंदगी कबूल नहीं। इससे पहले सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मैंगल की परवेज इलाही से एक और मुलाकात हुई। हुकूमती मुशावरत से आगाह तो किया मगर बात ना बनी। शहरी इलाकों को गुलाम बनाने की एक कोशिश, इसको वापस नहीं लिया गया तो कराची की इस सड़कें भी फैसला देंगी, दीवारें बोलेंगी। और ये बोलती हैं हम जमहूरियत के मुहाफिज हैं, पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, और हम समझते हैं कि सड़क पे लड़ने वाली ये जंग बकाए पाकिस्तान और बकाए जमहूरियत की। सिंध के नए बल्दियाती निज़ाम का फैसला अब सड़कों पर होगा। एमक्यूएम पाकिस्तान ने तबले जंग बजा दिया, लोकल गवर्नमेंट एक्ट को रद्द कर दिया। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत से पहले कराची ऐसा तबाह हाल ना था, गैर मुयना मुद्दत के लिए एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर तमाशा लगाया हुआ है। पीपल्स पार्टी ने सिंध के शहरी इलाकों के खिलाफ जंग मुसल्लत कर दी। बल्दियाती निज़ाम सिंध के शहरी इलाकों को गुलाम बनाने की कोशिश है। मुतनाज़े शिकें शामिल की गई, अब हमारे पास सड़कों पर आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पाक से जमीन पार्टी भी मैदान में। मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध के नए बल्दियाती निज़ाम को चैलेंज कर दिया। हाईकोर्ट में दरख्वास्त आए। मुस्तफ़ा कमाल ने एक्ट को आइन और कानून के खिलाफ करार दे दिया। कहा कि अगर ये एक लागू हो गया तो फिर एक तूफान बरपा होगा। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का टेलीफोनिक रबता। दोनों रहनुमाओं का सिंध बल्दियाती निज़ाम के काले कानून को मनसूख करवाने पर इत्तेफाक। सिंध में जो मर्दशुमारी हुई वो मुतनाज़ा है और हमारे पास उसके दलाइल है, बड़े स्ट्रॉन्ग हमारे पास आर्गुमेंट्स हैं। धमकी देना इलेक्शन कमीशन को कि जनाब हम जो है वो आपकी फंडिंग बंद कर देंगे, इसका मतलब ये है कि आइन के तहत कायम होने वाला एक इदारा, उस इदारे के काम को रोक कर उसको मफलूज बनाने की जो है वो धमकी दी जा रही है। पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम और पीएसपी को आड़े हाथों ले लिया। इल्जामात पर जवाब, सूबाई वजीर सईद गनी ने मुतहदा को कहा कराची में लसानी कत्लो गारत गिरी आपने की, इल्जाम हम पर लगाते हैं। दोनों जमातें अपना मुहासबा करें, पांचवें छठे नंबर पर आ रही हैं। बल्दियाती इलेक्शन में इनका क्या हशर होगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा बल्दियाती निज़ाम अदालत से रद्द हुआ तो इलेक्शन इल्तवा का शिकार होंगे। मुस्तफ़ा कमाल के सवाल का जवाब नहीं दूंगा। खालिद मकबूल सदीकी से अपील करूंगा तकसीम की सियासत ना करें। यह भी कहा नस्ला टावर मुस्तफा कमाल के दौर में बना।
लापता अफराद की जिम्मेदारी वजीर आजम और काबीना पर आती है, क्यों ना रियासत की बजाय मुआवजे की रकम वजीर आजम और काबीना अराकीन अदा करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लापता सहाफी केस में रिमार्क्स, वफाकी वजीर श्री मजारी पेश। चीफ जस्टिस ने वफाकी वजीर से कहा, आपके अंदर एहसास है लेकिन रियासत में नहीं। लापता अफराद के खानदान सड़कों पर रुल रहे, क्यों ना एक कानून बनाया जाए जो जिम्मेदार है उससे मुआवजा लिया जाए। किसी ना किसी को तो इसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए। हमारी आधी जिंदगी गैर जमहूरी हुकूमतों में गुजरी और ये उन्हीं का किया कराया है। वजीर आजम और विफाकी काबीना इस मुतासरा फैमिली को सुने और मुतमईन करें। ओमिक्रॉन का रास्ता रोकने के लिए बड़े फैसले, एनसीओसी का सख्त इकदाम का ऐलान। वैक्सीनेशन टीमें मुख्तलिफ अवामी मकामात पर तैनात होंगी। मौके पर मौजूद अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। सूबे और मुतलका हुकाम को वैक्सीनेशन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। तीन कैटेगरीज में बूस्टर डोज लगाने की मंजूरी। वैक्सीन बूस्टर शॉट मुफ्त लगेगा। वैक्सीन की दूसरी खुराक के 6 माह बाद लगाया जा सकेगा। जिन अफराद को दूसरी खुराक नहीं मिली उनके लिए कॉल सेंटर कायम किए जाएंगे। खसूसी मुहिम का आगाज, कोरोना से एक दिन में मजीद 9 अमवात, 414 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में बढ़ती स्मॉग, हाई कोर्ट का एक हफ्ते के लिए माहौलियाती लॉकडाउन लगाने का इंदिया। शहर में स्कूल दफातर और निजी इदारों को एक हफ्ते के लिए बंद किया जा सकता है। पीडीएमए सरबरा ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए इतवार तक की मोहलत मांग ली। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, यही सूरत हाल रही तो एक हफ्ते के लिए माहौलियाती लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि इतवार तक सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, आपके कहने पर एक हफ्ता मजीद रुक जाते हैं। जगह जगह कूड़ा, गंदगी और बदबू, सिंको कचरा कुंडी बना दिया गया। बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल का 5वां दिन, कराची समेत बड़े शहरों की गलियां और मोहल्ले गंदगी और खलाजत से भर गए। कराची की सड़कों और गलियों पर 40 से 50 हज़ार टन कचरा मौजूद। मुलाजमीन और सिंध हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। स्मगलिंग की वजह से अशियाई ज़रूरिया की कीमतें बढ़ती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, स्मगलिंग की वजह से मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचता है। इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वज़ीर आला बलोचिस्तान की भी मुलाकात। सूबे की तरक्की और मनसूबों की जल्द तकमील पर गुफ्तगू। सिंध में फौरी तौर पर इंसदाद तजावजात ऑपरेशन रोकने का फैसला। सिंध हुकूमत ने तामीरात रेगुलाइज कराने का ऑर्डिनेंस गवर्नर को इरसाल कर दिया। रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाएगा। मशीर कानून सेक्रेटरी बल्दियात और चेयरमैन आबाद मेंबर होंगे। कमीशन की सिफारिश पर गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। बगैर मनसूबाबंदी के बनाए गए तामीरात का फैसला होगा। एक हफ्ते से कंस्ट्रक्शन सरगर्मियां मौतल हैं। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला सिंध ने पंजाब की तर्ज पर पॉलिसी मुतारिफ कराने का इंदिया दिया है। अथॉरिटी तश्कील देने की तजवीज़ दी थी। नस्ला टावर पर एहतजाज के दौरान तशद्दुद की इंक्वायरी का भी मुतालबा किया था। हम किसी से ना ज़मीन मांग रहे हैं और ना कोई रियायत। जो कानून पूरे मुल्क में है वो सिंध में भी होना चाहिए। पायलट्स के जाली लाइसेंस का मामला हमेशा के लिए ख़त्म करने का प्लान तैयार। पाकिस्तान ने बरतानिया की खदमात हासिल कर ली। सिविल एविएशन और बरतानवी एविएशन में माहिदा वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। माहिदे के तहत बरतानवी सिविल एविएशन पाकिस्तानी पायलट्स के इम्तहान लेने की मजाज होगी। अपर कोहिस्तान में मुस्लिम लीग नून का पावर शो। शाहिद खाकान अब्बासी के हुकूमत पर वार। कहा, मुल्क की बदकिस्मती है 2018 का इलेक्शन चोरी किया गया। आइन की बालादस्ती होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। दासू प्रोजेक्ट पर बातें करने वाले बताएं, क्या 1 रुपये का भी फंड रखा। सिंध के अंदर हमेशा जो शुगर मिल्स थी वो शुगर मिल्स
वक्त के ऊपर चलती थी। इस बार डेलिब्रेटली सिंध हुकूमत ने वो शुगर मिलें जिन्होंने क्रशिंग भी शुरू की थी उनको भी बंद करवा दिया, ताकि वो जो उनके जेरे साया जखीरा दोज हैं, जो ग्राम फरोश हैं, उसको फायदा पहुंचाने के लिए। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने सिंध हुकूमत को निशाने पर ले लिया, कहा ज़खीरा अंदोज़ी का माफिया पीपल्स पार्टी के मातहत काम कर रहा है। चीनी के बहरान में सिंध हुकूमत की नाहरी नजर आई। सरदारी सिंध की शुगर मिल्स के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। साई सरकार सिंध के किसानों के दुश्मन क्यों बनी हुई है? वहाँ आम किसान को पानी नहीं मिलता, मलबा वफाक पर डाल दिया जाता है। सिंध के हुक्मरान पैसा बनाने में लगे हैं, किसानों को सब्सिडी देने को तैयार नहीं। प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स एक्ट पर दस्तखत। वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी कहते हैं एक्ट के तहत पहली बार पाकिस्तान में वर्किंग जर्नलिस्ट को हकूक फराहम किए गए। हुकूमत का फर्ज है कि वो वर्किंग जर्नलिस्ट के पीछे खड़ी हो। पाकिस्तान में अगर फ्री प्रेस नहीं तो दुनिया में कहीं भी प्रेस फ्री नहीं होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आज़ाद कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर कैंप का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली को कर्नल कमांडेंट ए के रेजिमेंट बैजेस लगाए, यादगार शहादा पर फूल चढ़ाए, फातिहख्वानी भी की। ओमिक्रॉन सऊदी अरब तक पहुंच गया। मुतासर शख्स सऊदी शहरी है, शिमाली अफ्रीका से वापस आया। ब्राज़ील, नाइजीरिया और नॉर्वे में भी नई किस्म के केस रिपोर्ट। बरतानिया में टेस्टिंग के बाद ही अवाम को क्रिसमस जश्न में शिरकत की इजाज़त। अमेरिका जाने वाले तमाम मुसाफिरों को बोर्डिंग से पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा। रूस आने वाले मुसाफिरों के लिए 2 हफ्ते करंटीना की शर्त लागू। हुकूमत EVM पर इलेक्शन कराने पर बजेद, इलेक्शन कमीशन रूल्स पर डट गया। एक्सप्रेस न्यूज काबीना की अंदरूनी कहानी मंजरे आम पर ले आया। EVM मामले पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की अलग अलग कमेटियां तश्कील। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी का सेक्रेटेरियट वजारत पार्लिमानी अमूर में कायम कर दिया गया। हुकूमती राबता कमेटी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जल्द नई कानून साजी पर अमल दरामद शुरू करेगा। वजीर आजम की हिदायत, काबीना ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन पेपरा रूल्स के मुताबिक EVM मशीनों की खरीदारी के टेंडर्स का इजरा करे। अहम और बड़ी खबर दे रहे हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से। हुकूमत EVM पर इलेक्शन कराने पर बजीद, जबकि इलेक्शन कमीशन रूल्स पर डट गया। EVM पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की अलग अलग कमेटियां तश्कील दी गई हैं। हुकूमती कमेटी का सेक्रेटेरियट वजारत पार्लिमानी अमूर में कायम। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के हवाले से अहम पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन के खत के बाद हुकूमत की तरफ से इलेक्शन कमीशन से राबता। इलेक्शन कमीशन हुकाम की डेप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन से मुलाकात। EVM स्टोरेज पर बातचीत हुई। इलेक्शन कमीशन का EVM प्रोजेक्ट के लिए बड़ी एकेडमी बनाने का फैसला। प्लानिंग कमीशन हुकाम का कहना है इलेक्शन कमीशन के मंसूबे की मुकम्मल हिमायत करेंगे। ज़रा के मुताबिक ये अहम खबर दे रहे हैं आपको। फिस्ताई तर्ज हुकूमत है जो मशरूत फंडिंग की धमकी और डिक्टेशन दे रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े, ट्वीट किया कि ये इलेक्शन कमीशन की आईनी हैसियत को मजबूत करने की मजमूम कोशिश है। फिस्ताई तर्ज हुकूमत है जो EVM के लिए, आपको बताते चले कि शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया, लिखा कि इलेक्शन कमीशन की आईनी हैसियत को मजबूत करने की मजमूम कोशिश है। बल्दियाती इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर होगा पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ा ने लोकल बॉडीज़ एक्ट में EVM पर इंतखाब की शिक शामिल करने की मंजूरी दे दी है। वफाकी हुकूमत पहले ही एक कानून बना चुकी है, पंजाब हुकूमत भी EVM को एक्ट का हिस्सा बनाएगी। पंजाब हुकूमत भी EVM को एक्ट का हिस्सा बनाएगी। बल्दियाती इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर होगा पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ा ने लोकल बॉडीज़ एक्ट में EVM पर इंतखाब की शिक शामिल करने की मंजूरी दे दी। पंजाब का नया बल्दियाती निज़ाम हुकूमत के लिए चैलेंज। काफ लीग से मुलाकात, इजलास और
मुज़ाकरात बेसूद, ऐसे किसी कानून की हिमायत नहीं करेंगे जिसमें दही इलाकों को नज़रअंदाज किया जाए। नए बल्दियाती निज़ाम में सभी अर्बन को ज़्यादा और दही इलाकों को कम नुमाइंदगी कबूल नहीं। अहम इतिहादी जमात का दो टोक और वाज़ मौक़िफ सामने आया है। पंजाब का नया बल्दियाती निज़ाम हुकूमत के लिए चैलेंज है। काफ लीग से मुलाकातें, इजलास और मुज़ाकरात बेसूद, ऐसे किसी कानून की हिमायत नहीं करेंगे जिसमें दही इलाकों को नज़रअंदाज किया जाए। नए बल्दियाती निज़ाम में सभी अर्बन को ज़्यादा और दही इलाकों को कम नुमाइंदगी कबूल नहीं। 40 हलकों का फैसला ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट से होगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी IMF से ज्यादा पैसा भेजते हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि वोट अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होंगे। शुक्र है हमें ना लायक और ना अहल ओपोजिशन मिली। ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो वोट का हक मिला है, मैं समझता हूँ इससे पंजाब में 40 हलकों का नतीजा जीत हो या हार हो, पंजाब में सिर्फ 40 हलकों का नतीजा ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास जाएगा और सारे पाकिस्तान में तकरीबन 80 हलकों का फैसला जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास जाएगा, जो कि पढ़े लिखे और ज्यादा जिम्मेदार लोग हैं और ज्यादा अपनी जिम्मेदारी से वोट कास्ट करते हैं।